अथो मार्स चैरिटेबल ट्रस्ट EMCT ने आज अपना तीसरा बार्षिक उत्सव द मंथन स्कूल में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दादरी विधायक तेजपाल नागर और मिसेज इंडिया डॉक्टर कर्णिका तिवारी शामिल रहीं। इस दौरान समाज में अच्छा कार्य कर रहे लोगों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि EMCT की टीम लगातार कई वर्षों से वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती आ रही है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य, कपड़ों और अन्य जरूरत का भी ध्यान रखती है। EMCT की टीम मुख्यतः महिलाओं के द्वारा संचालित है, जो हर वर्ग के विकास के लिए कार्यरत है। आज कार्यक्रम दौरान मुख्य अतिथि विधायक तेजपाल नागर ने EMCT संस्था के कार्य को बहुत सराहा और कहा कि ये संस्था काफी लोगों को एक बड़ा समूह है। ये महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है और यदि इस तरह के कई समूह समाज के हित में काम करते हैं तो ग्रेटर नोएडा पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएगा। आज की महिला बहुत सशक्त है, जो घर परिवार के साथ साथ समाज का भी बीड़ा उठा रही है। मैं रश्मि पांडे को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रश्मि पांडे जी का कुछ लोग जीवन में इसलिए पैदा होते हैं कि वो दूसरों के लिए पैदा होते हैं। रश्मि पांडे की उनमें से एक है जो दूसरों के लिए पैदा हुई है, जो दूसरों की लड़ाई लड़ती है। देखो, मैं तो आपने MLA बना दिया, मैं तो समय आपके लिए दूंगा ही दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी पद के समाज सेवा में आकर के समाज के लिए काम करते हैं, समाज के निर्माण का काम करते हैं। उनमें से रश्मि पांडे जी, उनमें जो पहली लाइन में बैठे हैं, आगे जी बैठे हैं, नागर साहब बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा में लड़ाई लड़ते रहते हैं, ये भी है। सम्मानित साथियों और सम्मानित बहनों, मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से मुझे भी आपका सेवक बनने का मौका आपने दिया, मुझे इसमें बेहद खुशी है। और देखो माली साहब, मैं एक बात बताऊं, एक गाना है, गाना ये है, खुदा ने तुम्हें जमीन पर भेजा है मेरे लिए। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ माली साहब, ये एक जज्बा चाहिए, एक पैशन चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ खत्म हो गई या हम आगे कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, जैसे रश्मि जी के अंदर है, तो आप हर मुकाम हासिल कर सकते हो। सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट सिस्टम आपको मिल ही रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली वॉट एवर योर पैशन इज, वॉट एवर योर गोल इज, उसको ज़रूर हासिल करने की कोशिश करना। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो डेफिनेटली देश का भविष्य सुधरेगा। जैसा कि रश्मि जी ने अभी कहा कि देश का भविष्य बनाने की ओर वो अग्रसर है और इसमें जहां तक हो सकेगा मैं सपोर्ट करना चाहूंगी, मैं जिस लेवल पे भी रश्मि जी। एंड EMCT ग्रुप जो काम कर रहा है वो बेहद ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, एंड इसके जितनी भी प्रशंसा की जाए आई थिंक वो कम होगी। सो शुक्रिया अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर एंड विश यू गुड लक। दिल्ली से नीरज कुमार अवस्थी की रिपोर्ट।